नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं ग्रो माई इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो जानकारी है काफ़ी खास होने वाली है आपके लिए। अगर आप कोई लघु उद्योग करना चाहते हैं तो आज एक ऐसे बिजनेस के बारे में आप जानेंगे, वो बिल्कुल चलता नहीं है, दौड़ता है। इसके विषय में सारी जानकारी देंगे अजीत सर, जो हमारे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, जो एस बी इंजीनियरिंग के ऑनर हैं। और आपको बता दें कि एस बी इंजीनियरिंग कहाँ पर है, तो एस बी इंजीनियरिंग आपका राजधानी दिल्ली में है, जगह है नांगलोई। तो बेहतरीन जानकारी आपको देंगे इस बिज़नेस में, कैसे ये बेहतरीन है। और ये बोले थे कि ये चलने वाला नहीं है, दौड़ने वाला बिज़नेस है, तो कैसे दौड़ने वाला बिज़नेस है इसके विषय में भी ये जानकारी देंगे। तो स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। बहुत बहुत स्वागत आपका भी है सर हमारे कंपनी एस बी इंजीनियरिंग में। तो आपने बताया कि सर ये चलने वाला बिज़नेस नहीं है, दौड़ने वाला बिज़नेस है, तो कैसे दौड़ने वाला बिज़नेस है? सर, इस बिज़नेस को हम दौड़ने वाला भी कहना बेकार है, ये दौड़ने से भी मतलब दुगनी रफ्तार से ये दौड़ता है। ये ऐसा बिजनेस है, मतलब ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में इस प्रोडक्ट को नहीं खाया जाता है। मतलब हम बात कर रहे हैं चाउमीन मेकिंग मशीन की, चाउमीन नूडल्स, जस्ट लाइक आप घर में खाते होंगे, मैगी बना के खाते होंगे, या रोड पे निकलते हैं तो चाउमीन खाते होंगे। यानी कि आपके घर में या तो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी हो, आपके घर में इस चीज़ का यूज किया ही जाता है। यानी कि कोई भी बंदा हो घर में एक बार या हफ्ते में 4 से 5 बार चाउमीन और मैगी खा के ही दम लेते हैं, सीधे सीधे बताया जाए तो। बिल्कुल, आज तो आज जो भी महिलाएं हैं, लगभग 90% महिलाओं का फेवरेट भोजन जो होता है चाउमीन ही होता है। बिल्कुल सर, 90% नहीं, 100% महिलाओं का। अगर बाहर जाएं शॉपिंग के लिए या कुछ करने के लिए और चाउमीन नहीं खाएं तो भाई शॉपिंग अधूरा हो जाता है। शॉपिंग ही अधूरा नहीं होता सर, मतलब लगता है कि उन्होंने मार्केट में जाके बेकार कर दिया। चलिए सर, इस बिज़नेस के बारे में बताइए कि ये जो मशीन है क्या करती है, इसमें कितने तरह के मशीनों का इस्तेमाल होता है? सर, इस मशीन के लिए मिनिमम दो मशीनों की आवश्यकता होती है। सबसे पहली जो मशीन होती है वो है मिक्सर मशीन, और जो दूसरी मशीन होती है वो है आपका स्कूडर मशीन, मतलब जिसमें आपका चाउमीन बनता है। तो ये जो मशीन आप सामने में देख रहे हैं ये है चाउमीन मेकिंग मशीन, नूडल्स मेकिंग मशीन, जिसका दूसरा नाम स्कूडर भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपका एक घंटे में जो प्रोडक्शन है वो लगभग 100 kg पर आवर का प्रोडक्शन आ जाता है। यानी एक घंटे में 100 kg आप चाउमीन बना सकते हैं इस मशीन से। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना प्रोडक्शन करना चाहते हैं या कितना टन का चाहिए, उसके अनुसार हम मशीनें बड़ा या छोटा करके भी आपको दे सकते हैं। रिक्वायरमेंट जैसी रहेगी सामने वाले की, हाँ, उस हिसाब से आपको दे सकते हैं। हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है ये सारी मशीनें। बिल्कुल सर, अब मार्केट में मैं सर देखता हूँ 2-3 तरह के नूडल्स आते हैं, तो क्या सारा का सारा यहाँ से तैयार हो जाता है? मशीन से जो है आपका मार्केट में जैसा भी चाउमीन मिलता है उसमें आपका मोटा और पतला इसी का डिफरेंस होता है। तो जितनी मोटाई की आपको चाउमीन चाहिए और जितनी या जितने ही पतले चाहिए उसके अनुसार हम डाई आपको बना के दे देते हैं। उस डाई के अनुसार आप मोटा और पतला जिस तरह का चाउमीन बनाना चाहें वैसा आप बना सकते हैं। तो अगर इस बिज़नेस को शुरू करना चाहें तो कितने पैसे में मिनिमम शुरू हो जाता है? सर, इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब दो मशीनों का अगर आप सेट लेते हैं तो ओनली 60,000 रुपये में ये मशीन लेके आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मात्र साठ हज़ार रुपये में इस बिजनेस को आप ले शुरू कर सकते हो, ओनली 60,000 रुपये में। क्या बात है, मात्र 60,000 क्या है आज के ज़माने में। बिल्कुल सर, बट इसमें मोटरें जो होती हैं अलग होती हैं, मोटरों का अलग से खर्च देना होता है, या हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप लोकल मार्केट में मोटर खरीद लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो अपने लोकल में ही उसको सही कर लें। अदरवाइज हमसे सारा चीज़ लेते हैं तो फिर हम उसको सारा कुछ सेट करके देते हैं और उसके चार्जेज अलग अलग हो जाते हैं। तो अगर यहाँ से कोई मशीन परचेज करे तो क्या प्रक्रिया है इसे लेने का? उसकी प्रक्रिया यही है कि आप हमारे ऑफिस में विजिट करिए और हमारे पास लगभग माल रेडी होता है। जब रेडी नहीं होगा तो 1 वीक का समय लेंगे मैक्सिमम, लेकिन अगर मशीनें हमारे पास रेडी हैं तो आप हैंड टू हैंड लेके जा सकते हैं, और अगर नहीं रेडी हैं तो आप 15-20% हमारे पास बुकिंग अमाउंट दीजिए और 1 वीक में हम आपको डिलीवरी देंगे, उस समय आप फाइनल पेमेंट हमें करें। कहाँ डिलीवरी दे सकते हैं? ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड हम डिलीवरी देते हैं। इंडिया में तो हम देते ही हैं, हमारी मशीनें जो है नेपाल में भी जाती हैं, भूटान में भी जाती है, बर्मा में भी जाती है, और भी बहुत सारी देशों में जाती है सर। तो चलिए सर, अगर कोई व्यक्ति आपके द्वारा बिजनेस शुरू करे तो आपने बोला मोटा या पतला डाई, तो आप मशीन के साथ कितने डाई फ्री में देंगे? मशीन के साथ ओनली 1 डाई हम देते हैं, इसके अलावा जो भी आपको पतला या मोटा डाई चाहिए होगा वो हम आपको अलग से परचेज करना होगा। अलग से परचेज? बिल्कुल सर, अलग से परचेज करना पड़ेगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ सर, एक और चीज़ की जरूरत पड़ती है वो है ड्रायर। हाँ, इसमें सर मैंने बताया कि मिनिमम दो मशीनों की आवश्यकता होती है। जो सबसे पहली मशीन देख रहे हैं ये है मिक्सर मशीन, इस तरह की ये मिक्सर मशीन होती है, और इसमें आप आटे या मैदे किसी चीज़ का यूज कर सकते हैं।
अभी तक तो आपने मैदे का ही चौमिन खाया होगा, लेकिन हमारे मशीनों में आटे की भी चौमिन बन सकती है और राइस की भी चौमिन बन सकती है, यानी कि तीन तरह के चौमिन आप बना सकते हैं, राइस नूडल्स, आटा नूडल्स और मैदा नूडल्स, तीन तरह के नूडल्स आप बना सकते हो हमारे मशीनों से। एक और सवाल है सर कि ठीक है आपका तो चौमिन बनाता है, सेवई भी पतला पतला लंबा लंबा ही होता है, इससे सेवई नहीं बनती सर, सेवई के लिए वो अलग मशीनें आती हैं। सेवई के लिए अलग? हाँ बिल्कुल, सेवई के लिए अलग मशीनें आएंगी। तो आपने मिक्सर देखा, मिक्सर के बाद ये स्कूडर होता है, मिक्स करने के बाद स्कूडर में आ जाता है और इससे आपका चौमिन बन के रेडी हो जाता है। अब चौमिन बनने के बाद आपके पास ऑप्शन ये है कि एक तो आप स्टीमर ले सकते हैं, या आप स्टीमिंग के लिए घर में भी आप स्टीमर का जुगाड़ कर सकते हैं, यानी कि उसको पकाना भाप से। तो चौमिन को पकाने के लिए आप घर में तसले में, तसले होते हैं, कढ़ाई होते हैं, उसमें भी आप चौमिन को भाप दे सकते हैं ऊपर टांग के और नीचे से वाष्प दे के उसमें स्टीम कर सकते हैं। और चौथा होता है ड्रायर, ड्रायर के लिए या तो आप धूप का भी यूज कर सकते हैं या अपने कमरे में ऐसा कोई ड्रायर हो, मतलब कि चार पांच हीटर लेके आप ड्रायर को बना सकते हैं। एज ए सजेशन हम लोग वहीं देते हैं कि ड्रायर मार्केट वाला ना खरीद के आप अपने घर में ड्रायर बना लीजिए, हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि सस्ता पड़ेगा, सस्ता भी पड़ेगा और सबसे ज़्यादा बेहतर भी होगा। बट अगर आपको ज़रूरत है तो हम आपको स्टीमर मशीन भी दे देंगे, ड्रायर मशीन भी दे देंगे। बिल्कुल सर, अब बात उठती है सर कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमशन की, तो कितनी बिजली की खपत होती है सर इन मशीनों में? जो मिक्सर होता है उसमें 1 HP की मोटर लगती है, जो सबसे स्टार्टिंग 25 KG का मिक्सर होता है, और जो आपका चौमिन मशीन है इसमें 2 HP की मोटर लगती है। तो इस तरह से 3 HP की मोटर में आपका सारा काम कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 2 KW का भी कनेक्शन अगर आप लेते हैं तो आप आराम से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और ओनली सिंगल फेज में। अब तो सर एक बात मैं जानना चाहूँगा, हालांकि वो तो पूछना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हमारे दर्शक अगर नहीं पूछेंगे तो बोलेंगे जरूर, कि बचत कितनी होती है? बचत तो इसमें, मतलब आप मार्केट में चौमिन खाते हैं तो आपको पता होगा एक मैदे का मार्केट में क्या कीमत है, आप खुद बताइए। 18 से 20 रुपये के जी या 25 रुपये के जी भी आप मान के चलते हैं, तो 25 रुपये के जी आप मैदा खरीद रहे हैं तो मिनिमम आप चौमिन थोक में भी खरीदने जाएंगे तो 40 रुपये के जी है। तो आपका मैदे के अलावा पानी का यूज कर रहे हैं, जो पानी तो मार्केट में बिल्कुल फ्री है सर, हर घर में फ्री है, तो पानी का कोई पैसा नहीं लगना है। रहा बात आपका लेबर खर्च का और बिजली का, तो ये 100 केजी बनाने में 1 घंटा लगता है, और 3 HP का मोटर है तो 2 यूनिट में आपका 100 केजी बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अनुसार लेबर खर्च आपका पर केजी ज़्यादा से ज़्यादा 50 पैसे से 1 रुपये आता है। 2 रुपये मांग लेते हैं, 2 रुपये आप ले लीजिए तो 25 रुपये और 2 रुपये 27 रुपये हो गए। आप 30 रुपये भी लेके चलते हैं तो मार्केट में मिनिमम चौमिन का कीमत 40 रुपया केजी है, यानी कि 1 KG में 10 रुपया मिनिमम आप कमा सकते हैं, यानी कि घंटे का 1000। सर घंटे का 1000 रुपये तक आप इस मशीन से कमा सकते हैं अगर आप मेहनत से काम करें और मार्केट में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना अगर आप निकाल दें तो। बिल्कुल। मशीनों की सर गारंटी और वारंटी क्या होती है? इन मशीनों की गारंटी सर 1 ईयर की है हमारी, सर्विस बिल्कुल फ्री होता है, और इस मशीनों के इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए भी हमारे लड़के जाते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो FSSAI नंबर भी लेना होता होगा सर इसके लिए? FSSAI नंबर के लिए सर आपको जब ब्रांडिंग बहुत बड़े लेवल पे आप काम करते हैं तब आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे गांव घर में जो बेचा जाता है तो उस पर कोई ब्रांड नहीं होता, सिर्फ ओनली पैक करके लोग सेल कर देते हैं, तो उसमें कोई ब्रांडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दिया। तो दोस्तों आपने सुना इस बिज़नेस के बारे में, नूडल्स मेकिंग बिजनेस के बारे में, चाउमिन मेकिंग बिजनेस के बारे में डीपली जानकारी अजीत सर के द्वारा दिया गया। तो आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो सवाल आपके मन में उठ रहा होगा इसके अलावा भी तो कमेंट बॉक्स में डालिए, इसका ज़रूर आपको जवाब दिया जाएगा। और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप निसंदेह संपर्क कर सकते हैं, एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, निसंदेह आप यहाँ पर आकर के विजिट कर सकते हैं। सारी चीज़ों को ये बताएंगे आपको, बिजनेस की डीपली जानकारी देंगे, सारी जानकारी देंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, और सारे आपके सारे संदेह को ये दूर करेंगे, सारे आपके डाउट जो होंगे वो यहाँ से दूर हो जाएंगे। तो आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस तरह के और भी अपडेट जारी रहेंगे तो बने रहिएगा ग्रो माई इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए